Hi everyone, welcome back to the ARD static MCQ series for the NABARD exam. So, आज वैसे हमें NABARD annual report discuss करना था, but I am not being able to finish that. So, I'll most probably cover that on the Friday or the upcoming Monday. Alright? So, yeah. Before we start, all those people who are here for the first time, don't forget to subscribe to our channel and press this bell icon. So that you don't miss on the latest updates. You can also join our Telegram group wherein you can post your queries and you'll be updated with the upcoming videos. Alright? So we'll start our session. And before I start, happy Janmashtami to all of you. I hope celebrations must be going on. So you should also continue your studies, right? Since the exam is very close. So let us not skip or waste our time, right? So let's start with the first question. It says the botanical name of chili is. So today's questions are framed on the topic of horticulture, right? So most of the questions all of the questions are related to that only. Now the first question is the botanical name of chili is what? Option A is capsicum annuum, G maize, Musa acuminata, Pyrus mellus and Ananas sativus. So correct answer is capsicum annuum. So आपने capsicum तो सबने सुना ही होगा, है ना? तो chili का जो botanical name है और scientific name है वो capsicum annuum है. तो जो हम Shimla mirch होते हैं, that is also a form of chili only, right? Then G maize क्या होता है? Maize का botanical name है ये. Then we have Musa acuminata. This is the scientific name or the botanical name of bananas. ठीक है, so Musa basically used and this is a kind of a आप बोल सकते हैं कि Musa acuminata is a variety of banana which is a wild banana, alright? Then we have Pyrus mellus, this is a scientific name of apple. ठीक है, जो बहुत बहुत common fruits और vegetables हैं उनके scientific name आपको पता होना चाहिए. Then we have Ananas sativus, this is a pineapple, scientific name of pineapple. तो अनानास हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं ना पाइनएप्पल को, तो उससे याद रखिएगा अनानास सेटिवस, दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ पाइनएप्पल. देन वी हैव मूसा, पायरस मेलस एंड द कैप्सिकम एनम. ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस साइंटिफिक नेम. द क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. फर्स्ट इज द फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज हिप, दिस वन इज करेक्ट. सो आप लोगों ने रोज हिप ऑयल मे भी सुना हो, है ना? कॉस्मेटिक की तरह बहुत यूज़ होता है रोज हिप ऑयल फॉर स्किन रेजुविनेशन, और हेयर ऑयल में मिक्स करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको हम. ठीक है, तो रोज हिप ऑयल, तो ये बेसिकली रोज का जो फ्रूट है और कह सकते हैं जो सीड्स बर्ड्स होती हैं वो उसका ऑयल निकाला जाता है, उसको हम रोज हिप ऑयल कहते हैं. तो द फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज हिप. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज द कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ रोज इज टी बडिंग. सो आपने पढ़ा होगा प्रोपगेशन मेथड क्या होते हैं, सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड होता है और ए सेक्सुअल होते हैं. सेक्सुअल में तो बेसिकली आपका मेल फीमेल पार्ट होगा एंड देन क्या होगा वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे पॉलन्स जो होंगे पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेंगे एंड देन देयर विल बी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल में क्या होता है, ए सेक्सुअली हो रहा है, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर आपको दोनों पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और उनके बीच में प्रोपगेशन हो रहा है. तो एसेक्सुअल प्रोपगेशन के भी बहुत सारे मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. तो हम क्या करते हैं इसमें बडिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है ना, यू मस्ट हैव हर्ड दीज वर्ड्स, ग्राफ्टिंग, बडिंग, देन वी हैव लेयरिंग. बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि हम प्रोपगेशन कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब बडिंग में क्या होता है, बडिंग में बेसिकली ग्राफ्टिंग और बडिंग में दोनों में ही क्या होता है, दो पार्ट्स यानी कि दो प्लांट के दो पार्ट्स जो है उनको आप आपस में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, एक होगा आपका सायन और दूसरा होगा आपका स्टॉक. यानी कि एक प्लांट का आप सायन यूज करेंगे वो होता है आपका बेसिकली अपर पार्ट, समझ लीजिए. यानी कि आपको दो पार्ट्स को मिला के, दो पार्ट्स को मिलाकर आप एक नया प्लांट अगर बना रहे हैं तो उसमें जो ये अपर वाला पोर्शन होगा वो कहलाता है सायन. यानी कि एक प्लांट से आप सायन ले रहे हैं जहाँ जो कि फॉर्म करेगा आपका स्टेम्स और ब्रांचेस.
ठीक है, तो प्लांट के ऊपर वाला पार्ट तो आपने ले लिया जिससे कि आपकी स्टेम बनेंगी, ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट जिससे कि रूट पोर्शन डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं स्टॉक और रूट स्टॉक, सिंपल, ठीक है, रूट स्टॉक। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देते हैं एंड देन आपको क्या होगा, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग या फिर बडिंग। अब ग्राफ्टिंग और बडिंग में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में ही आपको दो पार्ट्स जो हैं उसको आप आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है बडिंग और ग्राफ्टिंग में। ग्राफ्टिंग में आपको पूरा का पूरा एक पार्ट होता है जिसमें कि प्लांट का एक पार्ट है जिसमें कि स्टेम और आपके ब्रांचेस जो है वहाँ से निकलेंगे, ठीक है, और उसको आप दूसरे उससे दूसरे पार्ट से रूट स्टॉक से कनेक्ट करते हैं। बडिंग में सिंपली क्या होता है कि आपके पास ये एक पार्ट है जो कि आपका रूट सिस्टम डेवलप करेगा, ठीक है, ये स्टॉक है आपका, रूट स्टॉक है, आप क्या करेंगे इसी में एक छोटा सा कट लगाएंगे और दूसरे प्लांट का एक बड वाला पार्ट कट करेंगे और उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे या इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यानी आपको पूरा का पूरा प्लांट का बड़ा सा पार्ट इसमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ बड फ्रॉम द अनदर प्लांट एंड यू कैन कनेक्ट दैट विद द रूट स्टॉक। तो बडिंग में सिर्फ इतना डिफरेंस है और ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है बडिंग, क्योंकि इसमें यू नीड अ वेरी स्मॉल पार्ट जिसको आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो एफिशिएंट है और इजी भी है काफ़ी ज़्यादा। अब टी बडिंग में क्या करते हैं, देखो रोज इस तरीके का है आपका, ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप पहले इस तरीके का आप राउंड स्टेम ले लीजिए, तो उसमें क्या करेंगे एक हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे इसके सेंटर में, ठीक है, और उसके ऊपर से एक वर्टिकल कट लगाएंगे, सॉरी, और देन एक हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे, तो एक टी फॉर्मेशन सा बन जाएगा, ठीक है, टी फॉर्मेशन बन जाएगा। अब दूसरे आपके जो पार्ट होगा रोज का, दूसरे प्लांट का जो पार्ट है जो भी आपको इसमें हाइब्रिड बनाना है, इसको जिस तरीके का फीचर आपको इंट्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल येलो फ्लावर आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर जो बर्ड होगी इसको आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और ये जो टी पार्ट है ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये टी है और इसको आपने वर्टिकली कट कर दिया, इसको ओपन हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे आप इसको इंसर्ट कर देंगे बर्ड को और देन उसको रैप कर देंगे प्लास्टिक से, ठीक है, तो उसके आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक नई स्टेम आपको निकलते हुए दिख जाएगी और रूट फॉर्मेशन इससे हो जाएगा, ठीक है। तो टी बडिंग में ये होता है, जो कट लगता है वो बेसिकली टी फॉर्मेशन में लगेगा, एक वर्टिकल कट लगेगा देन एक हॉरिजॉन्टल कट लगेगा और ये जो पार्ट खुल जाएगा इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बर्ड कट करके इंसर्ट कर देंगे। सो दिस इज द टी बडिंग मेथड। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है, चित्रा इज अ थॉर्नलेस वराइटी ऑफ रोज। तो चित्रा इज अ हाइब्रिड वराइटी ऑफ रोज विच इज थॉर्नलेस, राइट, सो ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी है। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट है आपका, इरिटेशन ऑफ आईज वाइल कटिंग अनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाइरुविक एसिड। तो जब भी आप अनियन कट करते हैं तो आपको क्या होता है, आपके आईज में इरिटेशन होता है, वॉटर आपके आईज में आएगा, ठीक है, सो देयर विल बी अ वॉटरिंग ऑफ आईज। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पाइरुविक एसिड, सो दिस वन इज करेक्ट। नाउ पंजेंसी ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलिसिन। सो आप गार्लिक खाते हैं तो देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन इन योर टंग, है ना, अगर आपने कभी कच्चा गार्लिक अगर खाकर देखें तो देयर विल बी अ एक पंजेंट टेस्ट आएगा, एक बर्निंग सेंसेशन होगा और उसका ऑर्डर भी होता है वो भी काफ़ी पंजेंट होता है। सो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल एलिसिन, ठीक है, सो बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी हियर। Now the next question is, blossom end rot of tomatoes is caused due to the deficiency of wood. So कभी कभी आपने देखा होगा tomatoes जो होते हैं उसके end में आपको एक depression सा देखने को मिलेगा, ठीक है, depression सा देखने को मिलेगा black color का या brown भी हो सकता है, ठीक है, और वहाँ से वो ख़राब होना शुरू करता है। basically tomato है, tomato के अंदर आपको इस तरीके का round shape नहीं होगा, ऐसा होगा, यहाँ पर डिप्रेशन सा होगा और ये आपको ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर का देखने को मिलेगा, तो उसको इस डिसीज का नाम होता है ब्लॉसम एंड रोट ऑफ टमेटोज, और ये मेनली होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम होता है या फिर आप जो वाटर है इरिगेशन है उसकी भी अगर कमी होती है, उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, उस टाइम पे भी ये डिसीज हो सकती है, बट इट्स मेनली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम न्यूट्रिएंट इन द सॉइल।
Now the next question is question number fifth. Pigment responsible for the red color in tomatoes is what? Option है आपके lycopene, phycocyanin, chlorophyll, anthocyanin or none of the above. The correct option is lycopene. So lycopene is the pigment that is responsible for the red color in tomatoes. Then phycocyanin. Phycocyanin basically आपका blue photosynthetic pigment है. ठीक है, blue color का pigment है जो आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है, दैट इज ड्यू टू दिस पिगमेंट. देन वी हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल वी ऑल नो दैट इट गिव्स अ ग्रीन कलर, है ना, ग्रीन पिगमेंट है ये. एंथोसाइनिन बेसिकली एक आपको अगर फ्लावर्स के पेटल्स में कोई डार्क कलर्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लू और रेड, ब्लैक, ये सारे जो कलर्स होते हैं वो दैट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंथोसाइनिन. ऑलराइट, रिमेंबर दिस पिगमेंट्स. Now question number 6 is the commercial propagation method of guava is what? So guava ko commercially kaise propagate kiya jata hai? Option hai aapke paas grafting, air layering, seed or budding. Yahan pe correct answer hai air layering. To grafting hum pad chuke hain kya hota hai aur budding kya hota hai ye bhi hum pad chuke hain. To grafting and budding dono mein hi aap plant ke do parts ko aapas mein connect karte hain. सीड का तो सबको पता है, सीड डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सॉइल में सो करेंगे, देन जर्मिनेशन होगा, उसका प्रोसेस होगा, है ना. नाउ एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका गुआवा ट्री है, इसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी. अब आपको जब एयर लेयरिंग करनी होती है, यानी कि आप हवा में ही प्रोपगेशन कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इसके स्टेम का जो भी है इसको हम कट करेंगे. कट करेंगे मतलब कि इसको अब एक तरीके से जो बार्क है इसका वो आप क्या करेंगे, पील ऑफ कर लेंगे. ठीक है, अब ये एक ओपन पोर्शन हो गया, ओपन पोर्शन हो गया, इसको क्या करेंगे आप, पीट जो सॉइल होती है उसको पीट से कवर कर देंगे. आपने बीच में से उसका बार्क निकाल दिया, उसको थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, रफन कर दिया उसकी स्किन को, यहाँ पर रफ कर देंगे थोड़ा सा, एंड देन उसके ऊपर पीट, इसमें आप कंपोस्ट, ठीक है, जो कंपोस्ट होती है उसको मिला लो थोड़ा सा, और थोड़ा क्ले मिला लो. इस मिक्सचर को क्या करो, इसके ऊपर लगा दो, एंड देन उसको क्या करेंगे आप, प्लास्टिक से रैप कर दीजिए. ठीक है, आप इसको प्लास्टिक से रैप कर देंगे, फिर अगर इसको 2 या 3 हफ्ते के बाद आप इसको खोल कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक न्यू बर्ड फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा. ऑलराइट, और यहाँ और इसके अंदर क्या होगा, ये जो रैप पार्ट है इसमें रूट फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, फिर आपको 2-3 हफ्ते बाद इसको ओपन करें और यहाँ से कट कर दें, एंड देन आपको इस वाले पार्ट को, यहाँ पे रूट पोर्शन डेवलप हो जाएंगे, इस वाले पार्ट को आप दोबारा से ट्रांसप्लांट कर सकते हो, प्लांट कर दो उसको. तो दिस इज द कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ गुआवा, एयर लेयरिंग. ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th इज विच ऑफ दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेनेसेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. अब सेनेसेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली आपका जो फ्रूट है वो मेच्योरिटी में पहुंच गया है, एंड आपने इसको पिक कर लिया है. ठीक है, आप मेच्योर हो गया है, इसको पिक कर लिया है, एंड क्या हो रहा है, उसका डेटेरिएशन शुरू हो जा रहा है, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल का जब डिग्रेडेशन शुरू होता है तो वो किस वजह से होता है. वंस यू पिक योर फ्रूट, उसके बाद जो उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है या डिटेरिएशन हो रहा है, कुछ टाइम बाद अगर आप उसको रख दें तो वो सड़ जाएगा, है ना, या उसकी राइपनिंग हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम वी नीड टू आइडेंटिफाई लाइक विच ऑफ द प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन. सो ऑप्शन है आपके ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, रेस्पिरेशन, प्रिजर्वेशन और नन ऑफ दिस. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे रेस्पिरेशन. तो सेल्युलर रेस्पिरेशन जो होता है ये जब बहुत स्पीड अप हो जाते हैं, है ना, इसको आप पिक कर लेते हैं जब, ठीक है, तो इस स्टेज में आने के बाद सेल्युलर रेस्पिरेशन काफ़ी हाई हो जाता है और इथाइलिन प्रोडक्शन होता है. ठीक है, इथाइलिन प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से जो आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स हो वो डिग्रेड हो जाते हैं, डेटेरॉइट हो जाते हैं विद टाइम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रत्ना इज अ क्रॉस ऑफ वर्ड्स. सो रत्ना इज अ काइंड ऑफ अ मैंगो. ठीक है, इट्स अ वराइटी ऑफ मैंगो, हाइब्रिड वराइटी ऑफ मैंगो, एंड दिस इज फॉर्म्ड, आपको आइडेंटिफाई करना है नीलम और अल्फांसो. इट्स अ क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो, नीलम एंड दशहरी, सिंधु एंड अल्फांसो, सिंधु एंड नीलम और नन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे नीलम एंड अल्फांसो. तो रत्ना विच इज अ वराइटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस ऑफ और इज अ हाइब्रिड ऑफ नीलम एंड अल्फांसो मैंगो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडिंग बैक प्रूनिंग रेफर्स टू वॉट. सो प्रूनिंग आई हैव
आई होप आप सबको पता हो, इसमें क्या करते हैं, यू जस्ट कट बैक अ पोर्शन ऑफ योर प्लांट जो कि आप ऊपर से इसकी स्टेम कट कर सकते हैं, ब्रांच कट कर सकते हैं या रूट कट कर सकते हैं, बेसिकली टू रेगुलेट इट्स ग्रोथ और टू रेगुलेट इट्स फ्लावरिंग प्रोसेस और फ्रूटिंग प्रोसेस. इसलिए हम क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं ट्रीज़ की और प्लांट्स की. अब हेडिंग बैक प्रूनिंग का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टू रिमूव एक्स्ट्रा एंड ओवरलैपिंग ब्रांचेस. ठीक है, जो भी ओवरलैप कर रही हैं किसी ट्री की ब्रांचेस तो आप उसको कट कर दें. या फिर टू रिमूव टर्मिनल पोर्शन ऑफ ऑल ब्रांचेस, यानी कि आपकी अगर ये ट्री है तो यस के इसके जो भी टर्मिनल ब्रांचेस है एंड उसको आप सारी ब्रांचेस का टर्मिनल पार्ट जो है वो कट कर दें. सी है टू रिमूव द फ्लावर्स ओनली, प्लांट है उसके आप सब फ्लावर्स को कट कर रहे हैं. डी है टू रिमूव फ्लावर्स एंड द टॉप पोर्शन, फ्लावर्स भी कर रहे हैं प्लस उसके साथ साथ जो भी उसका टॉप पोर्शन है उसको भी कट कर रहे हैं. एंड ई इज नन ऑफ द अबव. यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू रिमूव टर्मिनल पोर्शन ऑफ ऑल ब्रांचेस हेडिंग बैक, यानी कि हेड से आप बैक की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा टॉप पार्ट जो है टर्मिनल पार्ट है उसको आप कट कर रहे हैं सारे ब्रांचेस का. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट. क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए. जैसे कि हमने अभी सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पढ़ा था, वही उसी एक तरीके से बोल सकते हैं कि वही प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे फॉलो होती है. क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनको आप अगर पिक करें वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे, डिटेरॉइट हो जाएंगे. इन फ्रूट्स में इथैलिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और सेनेसेंस इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रूट जब मैच्योर हो गए हैं उसको आप पिक कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो सड़ जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे. तो दिस इज़ अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट. आपको बताना है इसमें से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं है. सो ऑप्शन है आपके मैंगो, बनाना, गुआवा, लेमन और एप्पल. सो हम सभी को पता है आप मैंगो अगर थोड़े टाइम तक या बनाना थोड़े टाइम तक घर पे रखें तो बहुत जल्दी डिटेरॉइट हो जाते हैं. तो इन फ्रूट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत स्पीड अप हो जाता है वंस यू पिक दीज फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री. एंड देन इथैलिन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है लेमन. ठीक है, दिस इज़ अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट. लेमन आपके ख़राब नहीं होते हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगे, मतलब एज़ कम्पेयर टू बनाना और गुआवास और मैंगोज. लेमन जो होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते. तो दीज आर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, यानी कि इसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो स्लो होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन. ऑलराइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप यू लाइक इट. इन केस यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इट डाउन. ऑलराइट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग.